नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे बुध क्षेत्र पर सिंगल रेखाएं, डबल रेखाओं, ये रेखाएं होती कैसे। सबसे पहले बनावट, यहाँ कभी कभी एक सिंगल रेखाएं होती है, आपने देखा होगा आपके हथेली में भी ये रेखाएं हो सकती है, और कभी कभी यहाँ दो या तीन या इससे भी अधिक, कोई छोटी कोई बड़ी, इस प्रकार से होती है। ये हमारा बुध क्षेत्र होता है, कनिष्ठिका उंगली जो छोटी उंगली है उसके बगल वाला बुध क्षेत्र होता है। इन रेखाओं की शुभ और अशुभ स्थितियाँ इस बुध पर्वत पर निर्भर करती है। ध्यान दें, बुध पर्वत शुभ अवस्था में होंगे तो इसके पूर्णतः फल मिलेंगे, यदि सामान्य होंगे तो फल भी सामान्य मिलेंगे, और यदि बुध पर्वत नीच का होगा, अशुभ अवस्था में होंगे, तो इसके शुभ फल प्राप्त बहुत कम होते हैं। आइए बात करते हैं, अगर कई रेखाएँ आपकी हथेली पर इस प्रकार से दिखती हो तो इसका अर्थ क्या होता है। ये खास करके व्यवसाय के क्षेत्र को दिखलाता है, बुध व्यापार के क्षेत्र को दिखलाता है। आपके अंदर किसी कार्य को करने की क्षमता जो है, खास करके व्यवसाय से जुड़े हुए कोई भी कार्य करते हो, आप छोटा व्यवसाय करते हो, बड़ा करते हो, व्यापार करते हो, या फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी चलाते हो, जीविका के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। ये तो आपके कार्य क्षेत्र जो होते हैं, व्यवसायिक कार्य क्षेत्र, वहाँ से रिलेटेड है। तो उसमें असाधारण योग्यता, ऐसा शास्त्र स्पष्ट लिखता है कि व्यापार के क्षेत्र में असाधारण योग्यता मतलब बहुत अच्छी स्थिति को दिखलाता, ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में करोड़ों का धन कमाते हैं। ध्यान दें, ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में अपनी समझ से, ऐसे जातक का समझ व्यापार पे बहुत सटीक होता है, पूर्वानुमान बहुत सटीक होता है, किसी चीज़ के विषय में सोच के ये बतला देना कि इसका व्यवसाय में पूर्वानुमान सबसे अधिक है, क्योंकि किसी को ये अंदाज़ा हो जाता है कि किसी चीज़ों की मूल्य बढ़ने वाली है या घटने वाली, वो उस अनुसार में मार्केट में काम करता है। तो ये समझ ऐसे जातक को बहुत अधिक होती है, पैसों की समझ जिसे कह सकते हैं, मनी मैनेजमेंट, धन से धन को कमाने की कला, ये चीज़ें देखी जाती है। साथ में लोगों के साथ बात करने की शक्ति, बात कला, लोगों से सामंजस्य अच्छे से बना सकते हैं, किसी से भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बिना हिचके बना लेंगे, उनके साथ सामंजस्य, नए कार्य पर ये चर्चा कर लेते हैं, नए लोगों से संपर्क स्थापित करना ये दिखलाता है, शीघ्र विचार करते हैं, किसी चीज़ों पर ऐसा नहीं कि अच्छा देखेंगे नहीं, विचार करना है तो सटीक और अच्छा निर्णय इनके पास हमेशा रहता है, तीन चीज़ों को दिखलाता है। तो ये शुभ स्थिति, अगर यहाँ पर सिंगल रेखा है, ये तो हो गई कई रेखाएँ मान लिया जाए, अगर आपके हथेली पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखाएँ हैं इस प्रकार से, तो ये धनवान तथा समृद्ध बनाता है जातक को, व्यापार की समझ के साथ साथ आपको धनवान तथा समृद्ध बनाएगा, ये एक अति शुभ चिन्ह है, अगर आपके हथेली में है तो ये बहुत शुभ चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं बुध पर्वत पर, अगर यहाँ एक हो या तीन हो या चार हो, बुध पर्वत अगर शुभ अवस्था में है तो सब कुछ इसके शुभ फल आपको मिलने तय है, लेकिन अगर बुध पर्वत नीच अवस्था में है तो ऐसे जातक को कार्य करने में मन नहीं लगता, व्यवसायिक कार्य में, लेन देन में, हिसाब किताब में, लोगों से बात करके काम निकालने में इनका मन ही नहीं लगता है। अगर बुध नीच अवस्था में इनका मन नहीं लगेगा, कोई कार्य करेंगे तो वहाँ नुकसान हो जाएगा, व्यवसाय करने का प्रयास तो ये अवश्य करेंगे अगर ये रेखा है तो, लेकिन वहाँ पर इनको संघर्ष अधिक होगा, परिश्रम अधिक होगा, ये कार्य को बदल देंगे क्षेत्र को बीच में, या बंद कर देंगे, या इनका मन नहीं लगेगा, जैसे तैसे कार्य को करेंगे। मतलब होता है ना कि आपने कोई एक प्रतिष्ठान तो खोल लिया, कोई कार्य तो शुरू कर दिया, लेकिन जैसे तैसे उसको चला रहे हैं, मन लगा के काम नहीं, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। अगर बुध कमजोर, बुध अगर अशुभ हो, कमजोर होना अलग बात है, अशुभ होना अलग बात हो, अशुभ हो तो ऐसे जातक धूर्त हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, लोगों के साथ छल कपट करना, उल्टे सीधे हरकतें करना, गलत तरीके से पैसों को कमाने की बुद्धि लगाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी आ जाती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।